हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नवरात्रि स्पेशल व्रत के ढोकले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में तो बहुत टेस्टी बनते ही हैं, साथ ही हेल्दी भी हैं और बहुत ही कम ऑयल में बना के तैयार करते हैं हम इसे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम ढोकले बनाना शुरू करते हैं। व्रत के ढोकले बनाने के लिए यहाँ एक कप मैंने सामक के चावल यानी सामा ले लिया है और इसे हम ले लेंगे ग्राइंडिंग जार में और पीस लेंगे बारीक। सामक को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे एक बर्तन में ले लेते हैं और इसी में हम 1/4 कप साबुदाना ले लेंगे और इसे भी पीस लेंगे हम। साबुदाना भी हमने पीस के तैयार कर लिया है और इसे इसी में मिक्स कर देंगे हम। अभी इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे हम और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं। आप यदि खट्टे मीठे ढोकले पसंद करते हैं तो चीनी डालें वरना ना डालें। इसके बाद यहाँ 1 कप दही ले लिया हमने, मिक्स कर देंगे हम इसमें और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ लगभग हमने 1 कप पानी ले लिया है और जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम इसमें मिक्स करेंगे। तो हमारा बैटर बनके तैयार है और 1 कप पानी में से इतना पानी बच गया है, लगभग 3/4 कप हमने पानी इसमें यूज किया है। और अभी इसमें हम हरी मिर्च और अदरक हमने काट के बारीक तैयार कर ली है, वो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिए आप। और उसके बाद यहाँ 1/2 नींबू ले लिया है हमने, उसका रस इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को। और अब इस बैटर को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है और इसे एक प्लेट से कवर करके और हम एक तरफ रख देंगे और जब तक हमारा बैटर सेट होके तैयार होता है तब तक हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप धनिया और पुदीना को मिक्स करके ले लिया है, आप चाहें तो कोई भी एक ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से काट करके ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1/2 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अभी इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे और आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं थोड़ी। हमारी चटनी अच्छे से पीस के तैयार है, ये देखिए। इसे हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो अभी चटनी को हम एक तरफ रखते हुए हमारे बैटर की तरफ चलते हैं। बैटर को रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बैटर अच्छे से फूल गया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लें। और इसके बाद अब हम इसमें इनो डालेंगे। इसमें 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। उस पे 1 चम्मच पानी डाल देंगे हम ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और बहुत ही जल्दी से इसे मिक्स करके और इसको स्टीम करने के लिए रखना है हमें।
और यहाँ मैंने थाली को पहले से ही ग्रीस करके तैयार करके रखा था। और इसमें हमारा बैटर डाल देंगे। और गैस पर हमने कढ़ाई में पानी भी रख दिया है बॉईल होने के लिए, ताकि हम फटाफट इसे स्टीम करने के लिए रख सकें। अच्छे से फैला दें इसे और इसे हम रखते हैं अब स्टीम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। लेड हटा करके और एक स्टैंड रख देते हैं हम इसमें, और बहुत ही सावधानी से जो हमारी थाली है बैटर वाली वो हम इसमें रख देंगे। वापस से इसे कवर कर देते हैं और लगभग हमें 15 मिनट तक इसे फुल फ्लेम पे पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं नाइफ डाल के। नाइफ हमारा क्लीन आ रहा है, तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट तक इसी तरह से ढक के रख देंगे। तो हमारी ढोकले अच्छे से पक के तैयार हैं और इसे हम सावधानी से बाहर निकाल लेंगे। बहुत गर्म है तो सावधानी से बाहर निकालेंगे इसे। तड़का तैयार कर लेते हैं ढोकले के लिए। उसके लिए यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और इसको गर्म होने देते हैं। आप ऑयल गर्म हो चुका है और यहाँ 1 चम्मच राई ले ली है हमने, इसमें डाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे अभी। और 1 चम्मच तिल ले लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। और कुछ 10 से 15 करी पत्ते हमने ले लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक तरफ रख देते हैं इसे। लगभग 5 से 6 मिनट ठंडा हो चुका है हमारा ढोकला, तो इसमें हम कट लगा देते हैं। बहुत सॉफ्ट ढोकला बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो हमने तड़का बना के तैयार किया है वो हम इस पे डाल देंगे। चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। और अभी इसे हम थोड़ा धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ढोकले बन करके बिल्कुल तैयार हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकले बन के तैयार हुए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।